लेकिन व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर औरंगजेब भाई, तो हम इनसे पूछेंगे यहाँ बिरयानी की क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं सईद हमज़ा अली फ्रॉम सईद हमज़ा अली ऑफिशियल चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई मैं आज आया हूँ अपने एरिया की सबसे फेमस बिरयानी या रहमान बिरयानी पे, जो मौजूद है बर्फ़खाना बी एरिया पे, मुस्तफ़ा मस्जिद पे। तो भाई हम पता करेंगे इनकी बिरयानी में से क्या खासियत है कि लोग दूर दूर से यहाँ खाने आते हैं, लेकिन यहाँ के जो मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है ना, हाय हाय, और दिल चाह रहा है फौरन बिरयानी खा लूँ। लेकिन अभी बिरयानी भी खाएंगे, लेकिन पहले आपको इनके ऑनर से मिलवाएंगे, इनसे बात करवाएंगे कि भाई ऐसी क्या खास बात है आपकी बिरयानी में जो लोग यहाँ दूर दूर से खाने आते हैं। तो भाई जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक, ताकि आपको वीडियो में पता चल सके रहमान बिरयानी में क्या खासियत है और लोग यहाँ पे क्यों बिरयानी इतनी खाने आते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं वीडियो के बाद। तो फिर चलें क्या? लेकिन व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर औरंगजेब भाई, तो हम इनसे पूछेंगे यहाँ बिरयानी की क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, मशहूर है इनकी बिरयानी इतनी, लोग दूर दूर से खाने आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम साहब, खैरियत से हैं अल्लाह। तो हमें आप बताएं रहमान बिरयानी के बारे में कि ये इतनी मशहूर कैसे हुई और क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं आप, क्या क्वालिटी होती है, क्या होता है, मुझे बताएं। बस सर, सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत है और उसके बाद क्वालिटी दी जाती है, यानी कि अलनूर वालों का चावल होता है एक नंबर बुलबुल, जो कि मशहूर चावल है। उसके अलावा ऑयल वगैरह मसाला जात बिरयानी ऐसे तो नहीं बनती ना भाई, क्या ख्याल है? तो वो अल्लाह की रहमत से हमारे टोटल मसाले उसमें पड़ते हैं, उससे टेस्ट आता है। बाकी आप भाइयों की सब की दुआएं हैं और अल्लाह की रहमत से ये मलीर का क्या, तकरीबन पूरी कराची का रहमान पकवान मशहूर है, तो अल्लाह की रहमत है ना। तो अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके पास अगर कोई शादी ब्याह के ऑर्डर देता है तो उसके लिए आप लोग के पास, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप सब बना सकते हैं ऑर्डर पे, मुझे बताएं ज़रा। देखिए सर, ये कोरमा और ये कढ़ाई वगैरह बिरयानी ये तो आम है। इसके अलावा आपने अगर बारबेक्यू या फिर किसी होटल में कोई भी डिश आपने इंशाल्लाह से खाई है तो आपको हम मुहैया करेंगे शादी ब्याह पे।
अच्छा, मतलब व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। शादी के लिए आपको बनवाना है या कोई भी तकरीब के लिए बनवाना है, आपको सब चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। अच्छा, तो मुझे बताएं बिरयानी के क्या रेट हैं, क्या पाव है, कौन सी बिरयानी है आपके पास जो आम रूटीन में यहाँ पे आप जो है सेल आउट कर रहे होते हैं, मुझे बताइएगा। ये सर सेल जो कर रहे हैं हम लोग, चिकन बिरयानी 80 रुपये की एक पाव है, मुनासिब रेट, और 60 रुपये का एक पाव आलू वाली है। चिकन और आलू सेल की जाती है, बकाया इसके अलावा जो है ऑर्डर्स पर तैयार होता है, बीफ वगैरह ये वो जो कुछ भी आप इंशाल्लाह बनवाना चाहें। अच्छा, तो व्यूअर्स आपको मैं बता सकूं कि यहाँ पे ये सिर्फ जो है बिरयानी होती है तो हम रश देखें, अगर इनके अलावा कुछ और आइटम भी रखें तो इतना रश होता है यहाँ पे बिरयानी का। आम दिनों में हम जब आते हैं गुजर भी रहे होते हैं तो ऐसा रश होता है माशाल्लाह से, तो इनकी क्वालिटी की वजह से ही यहाँ पे माशाल्लाह से रश इतना होता है। तो आपने जैसे हमें बताया उनके बैठने की हर चीज़ वैसे अवेलेबल होती है अगर आप ऑर्डर देना चाहें तो। हम इनसे पूछेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या इनके खासियत है, हमें ये वहाँ पे भी दिखाएंगे अपने किचन में भी। तो मुझे थोड़ा औरंगज़ेब भाई थोड़ा और बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि बिरयानी में चिकन वगैरह आप किस टाइप की कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या मतलब खासियत है उसकी। सर ये बिरयानी की जो हम चिकन इस्तेमाल करते हैं ना वो आम रेट से 20-25 रुपये ऊपर होता है। उसकी वजह यह है कि उसमें गर्दन जो है रीढ़ की हड्डी तक सब निकली हुई होती है अल्लाह की रहमत से, और चर्बी वगैरह नहीं होती, गोल्डन पीस होते हैं, जिस वजह से यानी कि प्लेट में साफ सुथरी वो नज़र आती है। अच्छा भाई, हम अभी खाएंगे अभी बिरयानी यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि कैसी बिरयानी है, ठीक है। बाकी मैंने तो बहुत डबल टेस्ट की भी, लेकिन आप लोगों के लिए खास तौर पर मैं बिरयानी दोबारा यहाँ पे अभी हमें टेस्ट करवाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पर जर्दा भी नज़र आ रहा है तो इसकी भी मुझे रेट बता दीजिएगा जी। जर्दा ये पैक है 50 रुपये का पैक हम लोग दे रहे हैं ना जी जी, तो ये बहुत पसंद किया जा रहा है। अब 60 बढ़ गया तकरीबन, अभी सुबह लगाया था अभी दोबारा फिर इंशाल्लाह से लगा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं भाई, माशाल्लाह कब से बिरयानी यहाँ पे खा रहे हैं? तकरीबन 6-7 महीने हो गए। अच्छा 6 महीने हो गए, तो माशाल्लाह आपको बिरयानी यहाँ की कैसी लगती है, क्या टेस्ट है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मलिर के अंदर जो इस बिरयानी की बात है ना वो मामू को भी फेल है। सही बात है माशाल्लाह, मामू बिरयानी भी, क्योंकि हम लोग शाह फैसल से आते हैं यहाँ पे, अब गुजर है हमारा, हम खाते हुए लाजमी जाते हैं, किसी भी काम से जाएँ खोखरा बार में हम खाते हुए लाजमी जाएँ। मतलब यहाँ की बिरयानी इतनी टेस्टी है कि आपको आने पर मजबूर हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, पिकनिकों पर जाती है हमारी। अच्छा, हर पिकनिक पर हमारी बिरयानी, जुबैर भाई माशाल्लाह हमारे भाई हैं, सही, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का जाएगा इनका। तो माशाल्लाह आपको पसंद है बिरयानी यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से फिर मैनेजमेंट आप खुद देखें, मैनेजमेंट भी अच्छी है, बंदे होते हैं। अच्छा, आपने ऑर्डर पर बनवाई है बिरयानी? ऑर्डर पर भी बनवाई है, तो माशाल्लाह ऑर्डर का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स के ये हमें बता रहे हैं कि इन्होंने ऑर्डर पे भी बिरयानी बनवाई है और कह रहे हैं एक बेहतरीन क्वालिटी होती है ऑर्डर पे बिरयानी की। ये नहीं कि सिर्फ जो यहाँ बेच रहे हैं वो बिरयानी क्वालिटी अच्छी है, बल्कि जो ऑर्डर पे बेचते हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत आपको अच्छी मिलेगी। तो आइए विज़िट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। दर्शन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें बताया। कि हमने एक बंदे से भी पूछा है कि उससे रिव्यू लिया है कि बिरयानी का टेस्ट कैसा है, अब यहाँ पर और लोग आए हुए हैं, अब इनसे पूछते हैं कि भाई बिरयानी का टेस्ट कैसा है यहाँ पे। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, मोहम्मद अनीफ नाम है भाई। आप ये बताएं मुझे यहाँ पे बिरयानी कब से खा रहे हैं आप? क्या है, फर्स्ट टाइम आए? अच्छा माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आए, तो आपको क्वालिटी कैसी लगी है की? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वगैरह सब? टेस्ट वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, तो भाई आप देख सकते हैं ये दूसरे बंदे से हमने पूछा, ये भी कह रहे हैं माशाल्लाह टेस्ट बेहतरीन है यहाँ का। तो आप फिर देख सकते हैं कि आए यहाँ पे, खुद विजिट कीजिए, बिरयानी टेस्ट कीजिए जी। तो व्यूअर्स अब हम चलेंगे इनके किचन में और देखेंगे क्या क्या बन रहा है, तो आइए चलते हैं किचन में, आइए। अस्सलामुअलैकुम, देखते हैं भाई क्या क्या बन रहा है किचन में। तो ये वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं वो भी देख सकते हैं आप, इतनी अच्छी रखी हुई हैं। उसके बाद ये वाली बिरयानी है जो की तय पे बनती है, देख सकते हैं अभी तय पे बन रही है, अभी इसकी तय लगी हुई है चावल की, देख सकते हैं आप जी। तो व्यूअर्स अब आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ का जर्दा, जो भी हमने काउंटर पे दिखाया था आपको, काउंटर में मौजूद था जो 50 रुपये का बॉक्स है। अब ये देखें आप माशाल्लाह से कितना ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है ज़र्दा, ये चमचम वगैरह खोया बादाम पिस्ता की कितनी अच्छी इन्होंने टॉपिंग की हुई है। तो आप आइए खुद भी विजिट कीजिए, देखिए भाई ज़र्दा तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है। अच्छा ये ऑर्डर का ज़र्दा अब जा रहा है ऑर्डर पर, तो अब हम देखेंगे बिरयानी निकलवाएंगे अपने लिए, बिरयानी खा के आपको बताएंगे बिरयानी कैसी है। वैसे तो मैंने टेस्ट की हुई लेकिन आप लोगों के लिए दोबारा टेस्ट करके आपको बताता हूँ, तो विजिट कीजिए, देख सकते हैं आप ये इनकी काउंटर बिरयानी है, अभी हम टेस्ट भी करेंगे।
तो भाई ये बिरयानी तो फेमस है, अब आप भी टेस्ट करिएगा, अभी टेस्ट करके देखेंगे। अच्छा है, तो मुझे चम्मच की आवाज़ सुना दो, जो बिरयानी वाले पतीले पे चम्मच मारते हैं वो आवाज़ तो सुना दो बिरयानी की। तो भाई ये आवाज़ सबसे फेमस है, आप कहीं भी जाओगे बिरयानी में आपको ये आवाज़ ज़रूर मिलेगी। तो भाई व्यूअर्स, अब हम जो है बिरयानी खाएंगे, यहाँ पे खड़ों के बिरयानी की जो खुशबू आ रही है ना, ओए वाह। तो बिरयानी प्लेट हमारी रेडी हो गई है, अब हम बैठ के बिरयानी खाएंगे, आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है बिरयानी का। तो आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह बिरयानी प्लेट में कितनी अच्छी लग रही है, जाके हम खाएंगे आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, चलते हैं बिरयानी खाते हैं, आपको बताएंगे भी साथ साथ कि बिरयानी का टेस्ट कैसा है। बिरयानी का कोल्ड ड्रिंक तो होना लाजमी है ना भाई, तो हम बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, देखते हैं फिर। तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे बिरयानी है कैसी, ठीक है। तो अब टेस्ट करते हैं बिरयानी, ठीक है। टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आइए ज़रूर टेस्ट कीजिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जो है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बिरयानी इंजॉय करने दें मुझे, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पे बिरयानी भी टेस्ट कर ली है, लोगों से रिव्यू भी ले लिए, लोगों ने भी यही कहा कि बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो भाई आप लोग आए, ख़ुद भी टेस्ट कीजिए। अच्छा, अगर वीडियो मैंने बहुत भाई आपके लिए बनाई है, इन्फॉर्मेशन इनके ऑनर से भी आप इंटरव्यू लिया है, सब कुछ किया है, तो वीडियो देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पूरी वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे आपके लिए वीडियोज़ फूड से रिलेटेड और सारी वीडियोज़ ला सकूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।